नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मिले निर्देश, एकीकृत रूप से बकाए बिजली का होगा भुगतान। बिहार विधानसभा में 350 सीटों पर होगी बहाली, छठ के बाद नई एजेंसी जारी करेगी विज्ञापन, नए अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने का मिलेगा मौका। बिहार में दिखा चक्रवाती तूफान डाना का असर, तापमान में गिरावट के साथ ठंड का हो रहा है असर, कई जगहों पर बारिश की है संभावना। जिला अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में बढ़ेगी बेड की संख्या, 2.5 गुना बेड की संख्या बढ़ाने के मिले निर्देश, अस्पताल में न्यूनतम एक ऑपरेशन थिएटर रखने की तैयारी। दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो सकते हैं पंत, रिटर्न प्राइस पर नहीं बन रही सहमति, ऑफर किए जा रहे पैसों से खुश नहीं है पंत। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर सभी सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से सामूहिक रूप से बिजली का रिचार्ज किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी है। पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद यह आदेश दिया जाता है कि विद्युत कंपनी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। विभाग के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों के बिजली के बकाए बिल का भुगतान एकीकृत रूप से विद्युत कंपनियों को करने की कार्यवाही हो रही है। दिवाली छठ के अवसर पर देश के अन्य कई शहरों से फ्लाइट के जरिए बिहार आना आसान होने वाला है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस ने पटना आने जाने के लिए देश के कई शहरों से 4 दिनों के लिए 3 नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत की है, जिसमें मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद शामिल हैं। इन 3 बड़े शहरों से पटना आना और जाना और भी आसान होने वाला है। सुबह 9:25 पर इंडिगो की फ्लाइट 6E953 मुंबई से पटना आएगी, फिर पटना से फ्लाइट संख्या 6E2136 बेंगलोर जाएगी, विमान संख्या 6E2138 बेंगलोर से पटना शाम 3:50 पर आएगी, फिर पटना एयरपोर्ट से शाम 4:40 पर विमान संख्या 6E2144 बनकर अहमदाबाद जाएगी। फ्लाइट संख्या 6E2146 अहमदाबाद से रात 9:30 पटना एयरपोर्ट पर आएगी और पटना से उड़ान संख्या 6E954 बनकर मुंबई के लिए रात 10:06 पर उड़ान भरेगी। आज सीएम नीतीश राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व शांति स्तूप की 55वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश ने ही किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जापान के डेलीगेट्स भी शामिल हुए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की और कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें रोपवे के निकट नवनिर्मित एकीकृत भवन का उद्घाटन शामिल है। सीएम नीतीश के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल हुए जापान के डेलीगेट्स ने जापानी मंदिर में बौद्ध धर्म संस्कृति और परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की और गौतम बुद्ध को नमन किया। बिहार विधानसभा में 350 पदों पर बहाली होने वाली है। बहाली का विज्ञापन छठ के बाद एजेंसी द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल बहाली का विज्ञापन नई एजेंसी चयन के बाद जारी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के कार्यकाल में चयनित IIP एजेंसी पुराने आवेदकों का डेटा विधानसभा सचिवालय को नहीं दे पाई थी। चेतावनी के बाद एजेंसी ने पुराने आवेदकों को का डेटा लौटाना शुरू किया है, जिसके बाद पहले से विज्ञापित करीब 350 पदों पर दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा। इस भर्ती के तहत कई अभ्यर्थी ने पहले भी फॉर्म भरा है, जिन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो फॉर्म भरने में चूक गए थे, उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। बंगाल और उड़ीसा में उठे चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों का तापमान चक्रवाती तूफान के कारण नीचे गिरा है, जिसमें हल्के ठंड का एहसास हो रहा। तूफान के कारण प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, जमुई, मुंगेर, सहरसा, अररिया, बांका और मधेपुरा में बारिश की संभावना है। राजधानी पटना में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है।
बिहार के पैक्सों से हटाए गए 1,00,000 से भी ज्यादा सदस्यों की सदस्यता फिर से बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जहां हाई कोर्ट ने पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7(4) को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस नियमावली से हटाने की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। बिहार में आगामी महीने में पैक्स चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। अदालत के इस आदेश के बाद दोबारा सदस्यता बहाल को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब आगामी पैक्स चुनाव में ये सभी 1,00,000 से ज्यादा सदस्य भाग ले सकेंगे। राजधानी पटना में छठ के मद्देनजर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। निर्माण कार्यों पर ये रोक 30 अक्टूबर से छठ की समाप्ति तक है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटना के डीएम चंद्रशेखर द्वारा ये फैसला लिया गया है। सभी निर्माण एजेंसियों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि निर्माण एजेंसी आदेश के विरुद्ध जाकर निर्माण कार्य करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष नजर रखेंगे। इसके अलावा छठ को लेकर पटना की सड़कें भी दुरुस्त कर दी जाएंगी। डीएम ने निर्माण एजेंसियों को सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत करने और यातायात में हो रहे अवरोधों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए बहुसदस्यीय समिति का निर्माण भी किया गया है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में 2.5 गुना तक बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 36 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या करीब 400 है, जिसे बढ़ाकर करीब 1,000 से अधिक करना है, जिससे हर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कम से कम 20 बेड हों। साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कम से कम 5 बेड रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में कम से कम 1 ऑपरेशन थिएटर रखने की बात भी कही गई है, जहाँ तत्काल ऑपरेशन की सुविधा रखी जा सके। बिहार के नूरसराय प्रखंड में एक शिक्षिका शिक्षा विभाग से 14 सालों से चालाकी कर रही थी। दरअसल अति पिछड़ा वर्ग की महिला कोटी में पिछड़े वर्ग की शिक्षिका का चयन हुआ था, जो नियम के मुताबिक गलत है। अब इस मामले के सामने आने के बाद बीईओ ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में पंचायत सचिव और मुखिया की मिली भगत सामने आई है, जहाँ 2005 में हुई नियुक्तियों के दौरान 2 रिक्तियां थी, जिसमें एक सामान्य कोटी और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग कोटी शामिल। सामान्य कोटी में क्रांति कुमार और अति पिछड़ा कोटी में पिछड़ा वर्ग से आने वाली अंचला कुमारी का चयन किया गया था। मामला सामने आने के बाद शिक्षिका की नौकरी जा सकती है, साथ ही इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अगले एक साल में नगर विकास एवं आवास विभाग में बंपर बहाली होने वाली है। विभाग ने स्वीकृत विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए 3,956 पदों की अधियाचना आयोग को भेजी है। इस बहाली को लेकर विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि नगर निकायों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और हमारे शहर साफ सुथरे रहे, इसके लिए हम किसी भी स्तर पर कर्मचारियों की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि विभाग में अलग अलग पदों पर इंजीनियरों की बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। संजीव मुखिया के एक दर्जन करीबी पेपर लीक मामले में ईओयू की रडार पर है। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी इन आरोपियों की बेनामी संपत्ति की जांच की जाएगी। आरोपियों के सभी खाते को ईओयू द्वारा फ्रीज करवा दिया गया है। साथ ही छापेमारी में जमीन और मकान के कई कागजात मिले थे, उनकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी या किसी तरह की कार्रवाई पर लगी रोक को हटाने के लिए ईओयू ने अदालत में आवेदन दिया है। आगे की जाँच के बाद और भी कई बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले के अलावा इस पर सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली में पेपर लीक करने का भी आरोप दर्ज है।
दिवाली से पहले कटिहार पुलिस ने चांदी की बड़ी खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर धनतेरस के मौके पर चांदी खपाने के फिराक में थे। इनके पास से 66 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है, जिनकी बाजार में करीब 70 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत है। ये सभी तस्कर पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने शहर के न्यू मार्केट में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर सदर SDPO ने बताया कि सभी लोग पश्चिम बंगाल के कटिहार चांदी के जेवरात बेचने आए थे, लेकिन किसी के भी पास कोई वैध कागजात उससे संबंधित नहीं मिले, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। सभी सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव का आयोजन होगा। 24 अक्टूबर तक कुल 31 उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर नामांकन दाखिल किया था। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीट शामिल है। तरारी विधानसभा सीट से 10 उम्मीदवार, रामगढ़ सीट से 7 उम्मीदवार, इमामगंज से 4 और बेलागंज से 10 उम्मीदवारों ने 24 अक्टूबर को अपना नामांकन किया है। नामांकन करवाने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। वहीं 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने पर्चे की वापसी करवा सकते हैं। 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को चुनावी रिजल्ट सामने आ जाएंगे। राजद ने बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत कुल 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इन 4 सीटों में महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर राजद प्रत्याशी उतारे गए हैं और 1 सीट पर वाम दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी परिणाम की घोषणा 30 नवंबर को कर दी जाएगी। राजद की कोशिश है कि ये सभी 4 सीट महागठबंधन के हिस्से में आए। दिल्ली कैपिटल्स के साथ ऋषभ पंत वर्ष 2016 से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वे दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो सकते हैं। दरअसल ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स के मालिक और ऋषभ पंत के बीच रिटर्न प्राइस पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्रिक बज से मिली जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स से रिटेंशन के लिए जितने पैसे ऑफर कर रही है उससे वे खुश नहीं है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब वे दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो सकते हैं। अभी हाल में ही ऋषभ पंत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो बिकूंगा या नहीं, अगर बिका तो कितने पैसे में। इस पोस्ट के बाद कयासों को और हवा मिल गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है रंजीत मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, नौसाद, रजा एहसान, दीपक कुमार, अरुण प्रभाकर, अमित कुमार, सुकांत शंकर, गुनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, रवि कुमार राज, अर्जुन राम, अनवर अंसारी, बाबूलाल मरांडी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संतोष कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद असलम, ज्योति कुमार कुमारी, संजू, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जिला अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में बेड की संख्या बढ़ने से क्या जिला के मरीजों को राहत मिलेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।